तो कैसे हो बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिम पर रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि है MCC UG 2020 काउंसलिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट से। तो चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन की ओर। तो ये जो है वो MCC की ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन ली गई है, वहाँ से आप जाके भी इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। मैं आपको बारीकी से सब कुछ समझा दूंगा, बस आप अंत तक वीडियो को देखते रहना। देखो ये जिम पर का है और जिम पर के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है मैं उसे जूम करके तुम्हें समझा देता हूँ। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये SC और ST के लिए, SC के लिए है 15%, ST के लिए 7.5%, OBC NC के लिए यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब कि तुम क्रीमी लेयर से नहीं बिलोंग करते हो, यानी कि तुम्हारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। उसके बाद PWD 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहने का मतलब कि सीधा, यानी कि कोई आपको इसमें अदर दो राय रखने नहीं जा रही है, यानी कि आप PWD से हैं तो सीधा आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आप किसी भी, चाहे आप EWS हो, SC हो, ST हो, लेकिन आपको 5% रिजर्वेशन मिलेगा ही। उसके बाद EWS बच्चों के लिए जो कि 2019 में लागू किया गया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन। तो इन सारे के रिगार्डिंग तुम्हें सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी, तभी तुम्हें इसे सीट अलॉट हो पाएगी। अब देख लो कि जो रिजर्वेशन जो है PWD बच्चों के लिए वो 3% से बढ़ा के 5% कर दी गई है, और उन्हें ये सीट तभी मिलेगी जब वो एक पर्टिकुलर एनेक्सर वन के हिसाब से जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो सबमिट करते हैं, और अगर वो सबमिट नहीं करते हैं तो फिर उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिजर्वेशन। अगर आप कौन से कैटेगरीज में लाई करते हैं प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो जल्दी से जल्दी जाकर सर्टिफिकेट बनवा ले, वरना आपको उस रिजर्वेशन के कैटेगरी से सीट अलॉट नहीं हो पाएगी, और आपको अगर बढ़िया कॉलेज भी मिल सकती थी तो भी आपको नहीं मिल पाएगी, और आपको उससे ख़राब और या फिर लोअर कॉलेज मिलेगी। तो ये थी जिम पर की रिजर्वेशन पॉलिसी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड यार प्लीज़ कमेंट करके बताना कि तुम कौन से कैटेगरी में लाइक करते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू एवरीबडी।